a South Asian Canadian channel. आम आदमी पार्टी चो मुअत्तल किए गए सांसद मैंबर डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने अज पंजाब मंच के मुख एजेंडे का ऐलान करदे कहा कि उन्होंने देश अंदर पंजाब की खुदमुख्तियारी चाहिदी है। उन्होंने केंद्र सरकार के खूब वरद कहा कि पंजाब के सारे हक केंद्र ने खोले हैं जिस कारण पंजाब अज पूरी तरह कंगाल होकर रह गया है और पंजाब दी सरकारां हर वार दिल्ली दरबार जाके पंजाब दी तरसयोग हालत लई भीख मंग रही हैं। डॉक्टर गांधी ने कहा कि पंजाब इस समय 2 लाख करोड़ का करजाई है, कोई भी सरकार आ जाए वह पंजाब नूं खुशहाल उस समय तक नहीं बना सकती जदों तक पंजाब नूं केंद्र वालों खोए गए हक नहीं मिल जाते। डॉक्टर गांधी ने कहा कि वह दुनिया भर के फैडरल ढांचे पढ़ चुके हैं और पंजाब नूं किस तरह का फैडरल सिस्टम चाहिए है इसका ऐलान वह जल्द ही करनगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सारे टैक्सों की कलैक्शन अपने कोल रखी हुई है, पंजाब का सारा पैसा केंद्र के कोल जा रहा है, इसलिए जदों तक पंजाब नूं खुदमुख्तियारी नहीं मिलती उस समय तक पंजाब जां कल्याणकारी योजनावां नूं लागू नहीं किया जा सकता। देखो ये उनका आंतरिक मामला है और जो पार्टी में आंतरिक जमहूरियत चाहिए जिसका लगातार हनन हो रहा है, हमने तो बहुत समय पहले आवाज़ उठाई थी, अब ये पंजाब के बहुत बड़े सेक्शन द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है और राज्यों को अपने राज्य में जो राजनीतिक विसाद बिछाने का अधिकार है, राज्य में संगठनात्मक रूप से भी और राजनीतिक रूप में भी जो उनकी राजनीति करने का अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता और अगर कोई छीनता है वो गैर लोकतांत्रिक है। देखिए अगर तो वो पार्टी के अंदर अपनी जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उस पार्टी के लिहाज से तो ठीक है, परंतु जो हम कह रहे हैं हमें देश के अंदर जो भारत के अंदर हमें खुद मुख्तियारी चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि भारत एक बहुत धर्मीय बहुत बहुभाषीय बहुत सभ्यताओं वाला और बहुत नस्लों वाला देश है। इसमें जो एकीकृत भारत का नारा है जो कांग्रेस उठाती रही है और जो भाजपा उठा रही है उसके चलते जो भारत की अलग अलग विभिन्नताएं हैं उनका जो गला घोंटा जा रहा है और जो राज्यों के अधिकार छीन कर केंद्र को तगड़ा किया जा रहा है जिसके कारण जो राज्य हैं वो बिल्कुल अपंग बिल्कुल वो भिखमंगे बना दिए गए हैं उसके चलते पंजाब का जो विकास है वो संभव नहीं है। पंजाब जहाँ पर आकर फंस गया है उसके आगे अगर केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्निरीक्षण नहीं होगा, पुनर्भाषित नहीं होगे और राज्यों के अधिकार उनको नहीं मिलेंगे और राज्यों का जो लूट है वो इस तरह जारी रहेगी, बिल्कुल तानाशाही है। ये इस बार थोड़ी हुआ, जब प्रशांत जी को जोगिंदर यादव को तब भी था, जब मेरे को तब भी था, जब छोटे प्रसाद से तब भी था, डॉक्टर दलजीत सिंह हटाया तब भी था और जब खैरा को हटाया गया तब भी ये लोकतांत्रिक है और तानाशाही है। मंतव सेगा जी के असी 2.5 साल ईमानदारी नाल ये सोचा कि पंजाब का जो संकट हैगा ये की गुड गवर्नेंस ना ठीक हो जाऊगा, चंगी इंटेंशन ना ठीक हो जाऊगा, जिमें आप भी कहती है कैप्टन साहब भी कह के आए हैं कि सानू ऐ लग्या कि सारी जुमलेबाजी है, ये सारी होची राजनीति है, इहदा पंजाब दे संकट की जो गंभीरता हैगी है वो दिखाई नहीं दे रही। पंजाब का संकट इस करके नहीं है कि बंदे की चंगी इंटेंशन चाहिए है जां बंदे को बंदा चंगा चाहिए, संकट इस करके कि पंजाब की 70 साल केंद्र सरकार ने बेकिरक पंजाब के साधना की लुट की, पानी लुट की हैगी है, पंजाब के अधिकार खोए ने, पंजाब एक अराजकता फैलाई हैगी है और पंजाब नो एक कलोनी की तरह पंजाब नो वरत्या हैगा है और पंजाब भी कौम नो तोड़न की कोशिश की हैगी है और पंजाब के जो पंजाबी कौम हैगी है जब तक इकट्ठी होकर अपने अधिकार वापस नहीं लेंदी और केंद्र सरकार जो केंद्र राज संबंध हैगे है जे इस वेले बहुत हद तक बहुत वड्डी पद्धर से केंद्र हक झोल मार गए हैगे है और जो राज ने वो बिल्कुल निसत हो गए हैगे है, उन्होंने कोई ताकत कोई नहीं हैगी है, ना आर्थिक साधन हैगे है, वो सारे केंद्र अपने हक च कर ले है, जब तक राज्य उन्होंने अधिकार आर्थिक अधिकार वापस नहीं मिलते, टैक्स नहीं मिलते, जो टैक्स कलैक्शन नहीं होंगी, उन्होंने जो जो सरप्लस स्टेट पंजाब से अजो घाटे वाली स्टेट बना दिता गया रेवन्यू स्टेट हैगा है बदल सकता जे केंद्र राज संबंधा मुड़ के नज़रसानी करके और होनी चाहिए है और सानू पंजाब विच अपने सियासत चलाने की अपनी आर्थिकता चलाने की सानू खुद मुख्तियारी चाहिए है, सानू ऑटोनमी चाहिए है विद इन कंट्री विद इन इंडिया विद इन इंडियन यूनियन जी कि साड़ी लगातार कुचली भी जाती रही है और आने बहाने खोई भी जाती रही है। उसकी थ्यूरी असी बेसिस दिता जी अज यस सर जी बिल्कुल सर बिल्कुल उस तो बगैर तो गल नहीं बनती हैगी, जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान पंजाब नो फैडरल ढांचे अंदर खुद मुख्तियारी की गल करूगा, पंजाब के हकों की गल करूगा, केंद्र की लुट के खिलाफ खड़ा होगा और पंजाब के जो अधिकार ने उन्होंने वास्ते लड़न तैयार होगा वो साडा संगी होगा साडा दोस्त होगा। सानू लोअर लैवल से बहुत समर्थन मिल रहा पंजाब के लोगों का जी
क्योंकि क्योंकि लोगों की जो हालत हैगी है उन्होंने लगता कि अकाली देख ले कांग्रेस देख ले आप तो विश्वास उठ रहा हैगा है जो 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 जिस तरह की राजनीति चल रही है या चल रही सी खेरा साहब आए है नवे लै गए वो किस हद तक इस साडे एजेंडे से असी सहमति बना पाने हैं भविख के गर्भ में है पता नहीं किस पर जेकर वो इत तक सीमित रेंदे है कि उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी सियासी खुदमुख्तारी चाहिए हैगी है संगठनात्मक रूप में भी तो सियासत रूप में भी तो मैं लगता वो घेरा बहुत छोटा है साडा घेरा वो तो कि वसी है कि विशाल हैगा असी हिंदुस्तान के बिच रह के पंजाब के हकों वास्ते पंजाब की खुदमुख्तारी वास्ते खड़े है। A South Asian Canadian channel.